जय हिंद मेरे सभी साथियों को। साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिशिंग नॉलेज 1919 एक पर। साथियों मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। आप सभी बोल रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश की भर्ती कब आएगी करके। साथियों उत्तर प्रदेश की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं पूरी जानकारी आपको अपने इस वीडियो पर देने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश की भर्ती कब से शुरू होना है, उसके फॉर्म कब से अप्लाई होना है करके, उसका ग्राउंड का वेन्यू कब है करके। सबसे पहले मैं आपको साथियों एक जानकारी दे दूँ कि ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये रियल नोटिफिकेशन है। साथियों मुझे कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई तू फेक वीडियो बनाता है। भाई मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी ट्रू इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आपको पूरा मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ मैं, और आपको खुद को बोलता हूँ कि देखियो मैं जॉइन इंडियन आर्मी .nic.in की साइट पर हूँ। आप भी अपने मोबाइल पर रैली देख सकते हो कि किस तरह आप रैली मोबाइल पर देखना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल पर देख सकते हो। ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आपको नीचे दिखा दूँ कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये आपका नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये ARO मेरठ आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में और मुजफ्फरनगर करके, ठीक है साथियों। ये आपका नोटिफिकेशन है, तो ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। साथियों आपको मेरे चैनल पर पूरी ट्रू जानकारी मिलेगी, कोई भी गलत जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है साथियों। तो प्लीज़ यार ऐसा कमेंट मत किया करो, मैं पूरे ट्रू और पूरे सही वीडियो बनाता हूँ। हाँ जो लोग गलत बनाते भले आप उसका कमेंट नहीं करते हो, बाकी मैं पूरा सही जानकारी देता हूँ। और साथ ही यदि आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी दिक्कत हो आप वहाँ शेयर कीजिएगा, या फिर कमेंट में भी आप कमेंट बॉक्स पर भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है साथियों। मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए साथियों ये स्क्रीन पर आपको उत्तर प्रदेश का मेरठ का नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस मेरठ करके, आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2021-22 और फ्रॉम 12 मई 2021 से 31 मई 2021 के बीच में आपकी रैली चलना है, ठीक है साथियों। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट भाग लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आने वाला है सहारनपुर, आप देखना सबसे पहले सहारनपुर, फिर है शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमोरा, रामपुर, मोराबाद और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और भागपत, गाज़ियाबाद, मेरठ एंड हापुर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इतने डिस्ट्रिक्ट इसमें भाग लेने वाले हैं, ठीक है साथियों। यदि आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप पूरी तरह से इस रैली में भाग ले सकते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो रैली है वो 12 मई से 31 मई तक चल रहा है, ठीक है साथियों। 12 मई से 31 मई तक आपकी जो रैली चल रहा है मेरठ में। तो आपको और बता दूं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपका कब से स्टार्ट होने वाला है। आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है 13 मार्च से 26 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और आपका फॉर्म अप्लाई होना 13 मार्च से चालू हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब मैं आपको बता दूं आपके लिए, मैं एक और खुशखबरी की बात बता दूं उत्तर प्रदेश वालों के लिए, साथियों आपके लिए ऑल ट्रेड में वैकेंसी आई हुई है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड दो ट्रेड में, ऐसे नहीं, पूरी ट्रेड में वैकेंसी आई हुई है। मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ कौन कौन से ट्रेड में आपके लिए वैकेंसी आई है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखता होगा सोल्जर जनरल ड्यूटी। तो साथियों ये इसमें आपको पता है कि 17.5 से 21 ईयर तक एज काउंट किया जाता है, और ये आपका एज काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में काउंट किया जाता है। इसमें हाइट जो आपके लिया गया है वो 170 सेंटीमीटर लिया गया है, और वेट 50 kg, और आपका चेस्ट लिया गया है 77+5 इम्प्रेशन, ठीक है साथियों। अब जो नेक्स्ट ट्रेड आई हुई है वो है सोल्जर टेक्निकल की। इसमें आपका एज 17.5 से 23 ईयर तक लिया गया है, और एज जो है आपका 1998 से 2004 के बीच में काउंट किया जाएगा, और 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, और 50 kg वेट है, और चेस्ट पहले जैसे ही है। ऑल ट्रेड में चेस्ट एक से लिया गया है। अब जो है थर्ड पोस्ट है सोल्जर जनरल नर्सिंग की है, सोल्जर नर्सिंग की। इसमें भी आपका ये 17.5 से 23 है, और एज 1998 से 2004, हाइट भी वही है और चेस्ट भी वही है, ठीक है साथियों। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सोल्जर क्लर्क की है। इसमें भी 17.5 से 23 ईयर तक एज है, 1998 से 2004 ईच काउंट किया जाएगा। इसमें जो हाइट है आपका थोड़ा कम लिया गया है, वो लिया गया है 162 सेंटीमीटर, और आपका जो वेट रहेगा 50 kg रहने वाला है, और चेस्ट पहले जैसा रहने वाला है। और एक और ट्रेड है सोल्जर ट्रेडमैन की, ये 10th पास वालों के लिए है। इसमें भी आपका एज और जो काउंट किया जाएगा वो एक से लिया गया है, और हाइट तो इसमें 170 सेंटीमीटर लिया गया है, और वेट इसमें कम लिया गया है 48
केजी, और इसमें चेस्ट है वो ज़्यादा लिया गया है 76+5 इम्प्रेशन। ठीक है साथियों, अब जो लास्ट पोस्ट है, वो है आपकी सोलियर ट्रेडमैन। ये एट पास वालों के लिए है, जो एट पास है उनके लिए है। इसमें 17.5 से 23 ईयर तक है। एज भी आपका 1998-2004 के बीच में काउंट किया जाएगा। हाइट 70 सेंटीमीटर, वेट कम लिया गया है 48 केजी लिया गया है, और आपका चेस्ट इसमें ज़्यादा लिया गया है 76+5 इम्प्रेशन, मतलब कम लिया गया है 76+5 इम्प्रेशन। ठीक है साथियों, तो ये थी पूरी इसकी जानकारी। इसमें भी मैंने गलत बोल दिया था साथियों, 76+5 इम्प्रेशन कम लिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें फिज़िकल का बता देता हूँ साथियों। एक और मैं आपको बात बता दूं कि यदि आप आपके फादर या ब्रदर आर्मी में होंगे तो आपके रिलेशन के हिसाब से आपको हाइट और चेस्ट में छूट दिया गया है। ठीक है, अब मैं ग्राउंड की बात कर लेता हूँ फिज़िकल की। तो साथियों मैंने आपको पहले बताया था, यदि 1.16 मीटर आपकी रनिंग होती है, यदि आप इसमें 5.30 सेकंड में यदि इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा और आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और सेकंड, यदि आप यही 1600 मीटर 5.45 सेकंड में क्वालिफाई करते हो तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड ग्रुप में रखा जाता है। तो आई होप साथियों आप सभी 60 एक्सीलेंट मारें ताकि आपको रिटर्न में कोई दिक्कत ना हो, एक दो मार्क्स के लिए ना छूटे आप। और आपका जो है, आपको पता है कि जितना पुलअप मारते हो उतना आपका मार्क्स दिया जाता है, जिग जैक होता है और आपका नो फिट का गड्ढा दबाया जाता है। ठीक है साथियों, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बना दिया था। और एक और इसमें अब नोटिस दिया जा रहा है दोस्तों कोविड-19 का, तो मैं उसको बता देता हूँ कि क्या नोटिस दिया जा रहा है उसमें। साथ ही यदि आप ये नोटिफिकेशन चाहना चाहते हो तो आप, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये कोविड-19 का, ये देखिए साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट एडवाइज द कैरी एडुकेट पर्सनल, फेस मास्क ले जाना आपका बहुत ज़रूरी है, हैंड ग्लोव्स मतलब हैंड ग्लोव्स भी ले जाना है साथियों आपको, और वाटर बोतल रैली में लेके जाना है। तो ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, मैंने आपको दे दिया हूँ, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको इसमें जो भी दिक्कत आती है साथियों, तो ये इस नोटिफिकेशन में आपको टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, आप देख रहे हो टोल फ्री नंबर, आपको जो भी दिक्कत है आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हो, कि आपको जो भी परेशानी हो आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हो। इसमें जो भी रेजिमेंट होगा उसमें आप शिकायत हेल्पलाइन नंबर है वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और साथ ही ये कोई फेक वीडियो नहीं है, फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आप भी इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर इसको देख सकते हो, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत हो आप वहाँ पर पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स पर भी पूछ सकते हो। साथियों मैं जल्दी TARB के लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, कि कितना फेक नोटिफिकेशन डल रहा है TARB के बारे में, उसकी पूरी जानकारी भी आपको दूंगा। जय हिंद।